इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डेप्थ का मतलब आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे. तो मान लो ये अर्थ है, रेडियस आर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर स्मॉल जी क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर. ये भी क्लियर है. आप मान लो एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए, कहाँ से जहाँ से मर्जी आ जाए, अर्थ तो गोल है. आप यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर से आपकी दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स. हम सारे डिस्टेंसेज ग्रेविटेशन में कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेते हैं. तो अगर मैं एक्स डिस्टेंस सरफेस से नीचे आ गया तो सेंटर से कितने नीचे हूं मैं, आर माइनस एक्स. क्लियर है यहां तक. अब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, सरफेस के ऊपर क्या है, जी पूरी अर्थ का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि मेरा डिस्टेंस यहां सेंटर से कितना है अभी, कैपिटल आर है. लेकिन अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया, यहां पे आ गया, मैं यहां पे कहीं पर हूं, जहां मर्जी ले लो, तो मेरे नीचे अर्थ कितने रेडियस की पड़ी हुई है, आर माइनस एक्स. अब ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालूंगा तो कैपिटल जी, मैं मास की जगह पूरी अर्थ का मास नहीं लूंगा. अगर मैं यहां पे आ चुका हूं ना, तो सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ अर्थ ही मुझे अट्रैक्ट करेगी, ये वाला पोर्शन अर्थ का अट्रैक्ट नहीं करता. ऐसा क्यों होता है, ये आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद ही करना पड़ेगा कि अगर आप जितना नीचे जा चुके हो, बस उतना ही पोर्शन ऑफ अर्थ आपको अट्रैक्ट करेगा. तो इसीलिए जब आप यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हो, तो मास आप क्या लेते हो, सिर्फ इतने पोर्शन का, जो कि कितना है, एम डैश. जब आप बिल्कुल टॉप पे थे, टॉप के नीचे पूरी की पूरी अर्थ थी आपके नीचे, तो आपने टोटल मास क्या लिया था, एम. लेकिन जब आप अंदर आ चुके हो ऑफ रेडियस आर माइनस एक्स, तो मास क्या लेंगे इसका, एम डैश, और डिस्टेंस भी क्या लेंगे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो एक तो ये स्टेप याद रखना है. दूसरा, जब भी कोई न्यूमेरिकल भी आए या थ्योरी, अर्थ के इनसाइड का क्वेश्चन आ जाए, अर्थ के अंदर चले गए, वो क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी ऑफ अर्थ को इन्वॉल्व करना ही करना है. जब आप हवा में हो, अर्थ के ऊपर हो, फिर डेंसिटी लेने का कोई फायदा नहीं. हवा में क्या लोगे अर्थ की डेंसिटी, कुछ भी नहीं. लेकिन जब आप अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हो, तो अर्थ डिफरेंट मटीरियल्स की बनी हुई है, तो आपको डेंसिटी को कंसिडर करना पड़ता है. अब अर्थ की, तो अर्थ के अंदर तो बहुत सारे मटीरियल्स हैं, डेंसिटी डिफरेंट हैं, तो हमें एवरेज डेंसिटी लेते हैं. मान लो अर्थ की एवरेज डेंसिटी रो है. तो मेरे कहने का मतलब, आप जब सरफेस के ऊपर जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर, आप मास को एम ना छोड़ें, आप इसको मास को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ. पूरी अर्थ का मास क्या है, पूरी अर्थ का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल ही आंसर आ गया. ऐसे अगर आप सरफेस ऑफ एक्स डिस्टेंस नीचे जा चुके हो, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास क्या लेंगे, हमने कितने पोर्शन का मास एम डैश लिया, जिसका रेडियस क्या है, आर माइनस एक्स. तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई कितना, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहां से ये टर्म कैंसिल, तो ये सेकेंड इक्वेशन. आप सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लें, सब कैंसिल, आंसर आर बाई आर क्या है, 1, और क्या एक्स बाई आर, ये रहा. तो जी जो है वो राइट साइड पे चला गया. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मार्क करें इंपॉर्टेंट. जब आप एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए सरफेस ऑफ अर्थ से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर अगर मैं इसे ओपन कर लूं, तो जी डैश इज जी माइनस जी एक्स बाई आर, ऐसा कुछ. तो यानी कि जी डैश इज 9.8 माइनस समथिंग. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि कम होगी अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे आ रहे हो. अगर आप ऊपर जा रहे थे तो भी कम हो रही है, जब आप नीचे जाओगे तो भी कम ही होगी. तो ठीक, सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है. तो ये फॉर्मूला क्लियर है. और ये फॉर्मूला छोटे एक्स के लिए, बड़े एक्स के लिए एक ही फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूला नहीं है. और अगर आप सरफेस से चलते हुए सेंटर पे आ गए अर्थ के, सेंटर पे एक्स कितना कवर किया आपने, आर, तो एक्स की जगह जब आर पुट करेंगे तो आर बाई आर, 1 में 1 क्या कितना, 0. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गई, 0. ठीक है यहाँ तक, तो ये 0 हो गई. क्लियर है यहाँ तक. तो आप सेंटर ऑफ अर्थ पे आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0.